देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत का दिल्ली हाईकोर्ट ने समर्थन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश में सबके लिए एक संहिता जरूरी है। अनुच्छेद 44 को लागू करने का सही समय है। समान नागरिक संहिता के लिए केंद्र कदम उठाए। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के समान नियम हो। धर्म, जाति और संप्रदाय की बाधाएं खत्म हो रही हैं। विभिन्न धर्मों, जातियों के युवा आपस में विवाह कर रहे हैं। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ में अंतर विरोध है, जिससे युवा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बीजेपी ने हाईकोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे देश में एक देश एक कानून का सपना साकार होगा। कुछ प्रैक्टिसेस हिंदू धर्म में अच्छा है, कुछ क्रिश्चियन धर्म में अच्छा है, कुछ इस्लाम में अच्छा है, तो जो भी जिस धर्म में अच्छी चीजें हैं उनको लेकर एक हार्मोनिकल तरीके से, एक हार्मोनाइज तरीके से इस कानून का गठन किया जाएगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे इस्लाम पर हमला बताया। आप इस्लाम मुखालिफ हैं और आप ये चाहते हैं कि इस देश से मुसलमान, सारे मुसलमान इस देश के हिंदू बन जाए, आप ये चाहते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में ऑक्सीजन के मसले पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने और उसकी सप्लाई का रिव्यू किया। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और स्टॉक बढ़ाने के लिए जरूरी कदम पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में 1500 से ज्यादा PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट्स के जरिए 400,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट्स को चलाने और उसके रखरखाव के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जरूरत के समय किसी भी तरह की दिक्कत से निपटा जा सके। इससे पहले कल केंद्र सरकार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए 23,000 करोड़ के इमरजेंसी कोविड राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों और पर्यटक स्थलों पर बढ़ती भीड़ और लापरवाही को लेकर चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन, रूस और बांग्लादेश समेत कई देशों में कोरोना के केस कम होने के बाद बढ़ने का उदाहरण दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि लापरवाही से केस फिर से बढ़ने का खतरा है। लापरवाही हो रही है शहरों में, मार्केट्स में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, पर्टिकुलरली एक नया रिस्क वहां दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि छूट देने का मतलब ये नहीं है कि कोविड खत्म हो गया है। देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है। कोरोना नियम न मानने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट और नई वाला मार्केट को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। वहीं मसूरी के पास कैंप्टी फॉल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब आधे आधे घंटे के अंतराल में 50-50 पर्यटकों को एंट्री देने का फैसला लिया गया है। नैनीताल में भी भीड़ को देखते हुए पुलिस शनिवार और रविवार को नया ट्रैफिक रूट प्लान कर रही है। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल और अपने मंत्रालय में सुबह 9:30 बजे पहुंचने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद आज कई और मंत्रियों ने अपने मंत्रालय में कार्यभार संभाला। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके डिप्टी वीके सिंह आज अपने मंत्रालय पहुंचे। प्रधानमंत्री जी की एक ही नीति है, कैसे विश्व गुरु बने और कैसे हर महकमा सरकार का अच्छा काम करे। कौशल किशोर ने शहरी विकास राज्य मंत्री और मनसुख मंडाविया ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा, पूरी चीजों को समझूंगा, कैसे उसको पूरा किया जाए और कैसे लक्ष्य की प्राप्ति की जाए, फिर उस पर काम करने का काम। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। महेंद्र नाथ पांडे ने भारी उद्योग मंत्रालय का कामकाज संभालने से पहले पूजा पाठ की। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना ने नई कैबिनेट में महाराष्ट्र से शामिल किए गए मंत्रियों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। सामना में लिखा गया है कि ऐसा लग रहा था कि नारायण राणे को अहम विभाग मिलेगा, लेकिन उन्हें MSME मंत्रालय दिया गया है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए परिसीमन आयोग ने इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर होगी। परिसीमन आयोग की टीम ने 4 दिन में जम्मू कश्मीर के 290 से ज्यादा राजनीतिक दल और संगठनों से मुलाकात की। मुलाकात में कई दलों ने परिसीमन को लेकर सुझाव भी दिए। प्रदेश में परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी हो जाएगी। In 2020, this delimitation commission was constituted to carry out exercise
on the basis of census 2011 as per section 62 of the Jammu and Kashmir Act 2019. That is the last available census, and with the mandate to add 7 more seats in the UT and ST seats but also to be provided. 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उधर जम्मू दौरे पर पहुंची पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। बार बार पाकिस्तान के साथ बातचीत और आतंकियों के समर्थन को लेकर महबूबा मुफ्ती को काले झंडे दिखाए गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में महिला से बदसलूकी के केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी आरोपियों की भी तलाश हो रही है। इस मामले में पुलिस वालों की लापरवाही पर भी यूपी सरकार ने एक्शन लिया है। पसगवा थाने के एसएचओ, मोहम्मदी इलाके के सीओ और मौके पर मौजूद पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो लोग इस घटना के दोषी थे उन पर राशुका से लेकर तमाम कठोर भी जो भी गुंडा है किया, जो भी कार्रवाई हो सकती थी तत्काल सरकार ने उनके ऊपर करा। गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान लखीमपुर खीरी के पसगवा में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के साथ प्रस्तावक के रूप में गई महिला की साड़ी खींची गई थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित महिला से मुलाकात की और घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री जी के इशारे पर पूरा का पूरा लाठीचार्ज और इस तरह की गुंडई उत्तर प्रदेश में हुई है। गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान करीब 14 जिलों में हिंसा हुई थी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन वापसी की समय सीमा आज खत्म हो गई। कल ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग और मतगणना होगी। इस बीच कुल 825 में से 349 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार जीते। निर्विरोध जीतने वाले ज्यादातर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 1,778 नामांकन हुए थे, 68 उम्मीदवारों का पर्चा रद्द किया गया, 187 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया और 476 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर कल फैसला होगा। इन 476 सीटों पर बीडीसी सदस्य ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कई सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, बीजेपी जीत रही है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लोग निर्विरोध हुए, आगे भी कुछ लोग होंगे, फिर वोटिंग होगा। मैं अधिकांश ब्लॉक जीतूंगा और जीतकर गरीबों की सेवा करूंगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.